आज के इस निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में समापन समारोह में मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई और मित्र और मध्य प्रदेश के बहुत ही कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के देश के जाने माने नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, जिन्होंने इस शिविर का आयोजन किया कैलाश जी के तत्वावधान में, ऐसे हमारे बहुत ही सीनियर विधायक और जो हमेशा सेवा का कार्य करते हैं ऐसे रमेश मेंडोला जी, और दूसरे हमारे युवा विधायक जिन्होंने अपने पहले ही टर्म में बहुत अच्छा कार्य किया ऐसे भाई आकाश विजयवर्गीय जी, मंच पर उपस्थित पद्मश्री डॉक्टर तात्याराव लहाने जी, पद्मश्री अभी कुछ डॉक्टर तात्याराव जी तो है, कुछ डॉक्टर सभी आगे चले गए हैं, डॉक्टर अमित मायदेव जी, पद्मश्री डॉक्टर रमन जी देशपांडे, पद्मश्री डॉक्टर कुलीन कोठारी, डॉक्टर देव पुजारी, डॉक्टर गिरीश ठाकुर, साथ ही में उपस्थित विशाल कुन्नानी, डॉक्टर दीपक जुमानी, डॉक्टर मोहन जोशी, डॉक्टर अंजलि पाटिल, डॉक्टर बैराम जी, डॉक्टर अजय चौरासिया, डॉक्टर बिच्छू, डॉक्टर गौतम बंसाली, डॉक्टर संदेश मयेकर, डॉक्टर यश लोखंडवाला, डॉक्टर अजय भंडारवार, डॉक्टर डावर, डॉक्टर रागिनी पारेख, डॉक्टर अभय सरदे, साथ ही में यहां पर उपस्थित डॉक्टर विनोद भंडारी जी, डॉक्टर भदौरिया जी, डॉक्टर संजय शर्मा जी, डॉक्टर बड़वे जी, डॉक्टर मालाकार जी, डॉक्टर दीक्षित जी और हमारे मित्र गोलू शुक्ला जी, सभी हमारे पूर्व विधायक और हमारे सभी ज्येष्ठ पदाधिकारी, और विशेष रूप से इस शिविर को आयोजित करने में जिनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है ऐसे हमारे रामेश्वर नाइक जी, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले कैला जी का, रमेश जी का और आकाश जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि इंदौर के इतिहास में सबसे बड़ा हेल्थ चेकअप कैंप आज उनके तत्वावधान में इंदौर में संपन्न हुआ है, और मैं ऐसा मानता हूं 2.5 लाख घरों में स्क्रीनिंग करना ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, और इस रिकॉर्ड को तैयार करने के लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। मूल रूप से हम सभी लोग जानते हैं कि आज स्वास्थ्य सेवा ये लोगों के लिए एक चिंता का विषय होती है। जब हम स्वास्थ्य सेवा का विचार करते हैं तो जहां उसकी उपलब्धता महत्व की है वहीं पर उसकी अफोर्डेबिलिटी ये भी बहुत महत्व की है। सेवाओं का विस्तार हो रहा है और साथ साथ नई तकनीक भी आ रही है, ये सारी नई तकनीक नई सेवाएं लोगों के स्वास्थ्य तक पहुंचाने के लिए, वो लोगों को इसका लाभ देने के लिए एक सेतु की आवश्यकता है, और वो सेतु आज का ये शिविर बना है जिसने सभी प्रकार की पैथीज में, सभी प्रकार के रोगों के लिए, सभी प्रकार के इलाज ये सभी लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, और इसलिए यह शिविर बहुत ही खास इस प्रकार का शिविर यहां पर आयोजित हुआ है। हम लोग जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री जनारोग्य योजना शुरू की और गरीबों को 5 लाख तक का इलाज ये मुफ्त में देने का फैसला किया, और आज तो इस प्रकार की व्यवस्था हुई है कि अगर किसी के पास प्रधानमंत्री जनारोग्य योजना के तहत अगर उसके पास कार्ड आ जाता है तो देश के किसी भी राज्य में एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर वो इलाज कर सकता है। आज हम लोग देख रहे हैं कि इंदौर में इस स्वास्थ्य शिविर में
जिन लोगों का परीक्षण हुआ है उनका इलाज भी होने वाला है, ऑपरेशन भी होने वाला है। कैलाश जी ने घोषणा की है कि सभी का ऑपरेशन किया जाएगा और साथ साथ किसी भी योजना में जो नहीं बैठेंगे ऐसे भी लोगों का मुफ्त में ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन एक बात देखिए कि आज प्रधानमंत्री जी ने जो व्यवस्था उपलब्ध कराई है, यहां पर जो पेशेंट आते हैं और उस योजना के लाभार्थी है, वैसे तो इंदौर में सारी चीजें होती है लेकिन मसलन अगर कोई ऑपरेशन इंदौर में नहीं होता तो ऐसा ऑपरेशन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वो मुंबई में भी आकर कर सकते हैं, वो मद्रास में भी जाकर कर सकते हैं, वो दिल्ली में भी जाकर कर सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमको दी है। मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश की सरकार ने स्वास्थ्य सेवा की कई योजनाएं आज यहां पर लागू की है और मैं ऐसा मानता हूं कि ये सारी सेवाएं लोगों तक पहुंचाने का काम इस स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से हो रहा है। इसमें सबसे महत्व की बात क्या है? उसमें सबसे महत्व की बात यह है कि हमारे मिंडोला जी ने और आकाश जी ने ये 2.5 लाख घरों का एक प्रोफाइल तैयार कर लिया है। ये 2.5 लाख घरों में जाकर जो स्क्रीनिंग हुआ है इसकी सारी एंट्री ये आज डिजिटल एंट्री हो गई है, तो एक प्रकार से सभी की स्वास्थ्य कुंडली ये अब तैयार हो गई है। आगे में किसी को भी किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य जांच की आवश्यकता होगी तो उसका ये जो रिपोर्ट होगा ये रिपोर्ट उपलब्ध होगा और इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कोई भी जांच बड़ी आसानी से उनके लिए की जाएगी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण और बेसिक काम ये स्क्रीनिंग का इस माध्यम से हमारे इस स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से हुआ है। हमारे रामेश्वर नाइक और उनकी टीम ये इसमें एक्सपर्ट है। मैं कैलाश जी को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में करीब करीब हर डिस्ट्रिक्ट में इस टीम ने काम किया है और हर शिविर में 1 लाख लोग, 1.5 लाख लोग, 2 लाख लोग आते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, तो जो डॉक्टर्स आज यहां पर उपस्थित है इनमें से अधिकतम डॉक्टर्स ऐसे हैं कि जिनके पास समय नहीं है, ये 24 घंटे सेवा में रहते हैं। कई डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट के लिए हम लोगों को रुकना पड़ता है। कई लोगों की अपॉइंटमेंट का अगर हम डायरी देखें तो 7 दिन तक 1 मिनट खाली नहीं मिलता, 8 दिन तक 1 मिनट खाली नहीं मिलता। ऐसे सारे डॉक्टर्स इन स्वास्थ्य शिविरों में यहां पर आते हैं, पूरा समय देते हैं और जो अच्छी से अच्छी चिकित्सा है वो हमारे मरीजों को उपलब्ध कराते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि समाज की और देश की सेवा करने वाले ये जो सभी डॉक्टर्स यहां पर है इनका हमने बहुत जोरों से तालियां बजाकर अभिनंदन करना चाहिए और जो लोग अभी मुंबई के लिए निकल गए उन तक आपकी तालियां मैं पहुंचा दूंगा, क्योंकि अगले स्वास्थ्य शिविर में वो सारे लोग मुझे मिलेंगे तब मैं बताऊंगा कि इंदौर वालों ने आपके लिए बहुत तालियां बजाकर आपका आभार व्यक्त किया है। और मैं आपको इसके आगे बता दूं, ये सारे डॉक्टर्स इस शिविर तक केवल यहां नहीं रहते, इसके फॉलोअप की दृष्टि से जो भी आवश्यकताएं पड़ती है वो जिस जिस संस्था में या अपने जिस जिस हॉस्पिटल में वो काम करते हैं वहां पर आगे का फॉलोअप भी वो देते हैं, आगे की व्यवस्थाएं भी वो करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समाज के प्रति एक प्रतिबद्धता हमको इन डॉक्टर्स में दिखाई पड़ती है, हम लोग हमेशा डॉक्टर्स में भगवान का रूप देखते हैं लेकिन वो जो एक वृत्ति है उस वृत्ति को हमारे सामने निश्चित रूप से यथार्थ में लाने का काम इन सब डॉक्टर्स के माध्यम से होता है। और इन सबको जोड़ने वाली कड़ी अगर कोई होगी तो हमारा रामेश्वर नाइक है कि जो इन सबको जोड़कर और इस प्रकार से एक बहुत बड़ा ये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होता है। और मैं आपको बता दूं ये 40 दिनों तक यहां पर ये जो तैयारियां चलती है ये कैंप कोई 1-2 दिन में नहीं होता, इसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कड़ा आयोजन करना पड़ता है क्योंकि एक भी पेशेंट खाली नहीं जाना चाहिए, एक भी पेशेंट जिसका इलाज हो इलाज गलत नहीं होना चाहिए, एक भी पेशेंट ये डिससेटिस्फाइड नहीं जाना चाहिए। इसलिए यहां पर बहुत बड़े पैमाने पर व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ती है
और उन व्यवस्थाओं को खड़ा करने का काम यहां पर हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कैलाश जी ने एक बहुत अच्छी घोषणा की हर साल इस प्रकार का स्वास्थ्य शिविर लेने की। मुझे ऐसा लगता है कैलाश जी, ये अपना जो इंदौर शहर है, आप लोग हमेशा एक नया मॉडल तैयार करते हैं। कभी हमारी सफाई का मॉडल तैयार होता है, कभी बस का मॉडल तैयार होता है, कभी और कई मॉडल तैयार होता है। तो भले ही ये स्वास्थ्य शिविर का मॉडल हमने महाराष्ट्र में तैयार किया हो, पर 2-3 साल बाद आप स्वास्थ्य शिविर का भी एक इंदौर मॉडल तैयार करेंगे और उस मॉडल को पूरे देश के लोग अपनाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार सभी डॉक्टर्स का अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं, विशेष रूप से आदरणीय कैलाश जी को बधाई देता हूं, हमारे रमेश मेंडोला जी को और हमारे युवा विधायक आकाश विजयवर्गीय जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम में मुझे यहां निमंत्रित किया, अभी अभी कैलाश जी ने बताया कि 17 को कार्यक्रम होने वाला था, 17 को बारिश के कारण उसको पोस्टपोन करना पड़ा, तो उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया। तो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कैलाश जी कभी भी बुलाए और कितने भी बार बुलाए तो मैं हाजिर हूंगा, ऐसा मेरा 25 साल का उनका संबंध है और इसलिए वो मेरे बड़े भाई है, इसलिए वो जब भी बुलाएंगे तो मैं हाजिर हूंगा, इतना ही कहता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद।